जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। पाकिस्तानियों के बाद अमेरिका के लोगों की भी मांग, हमें पीएम मोदी जैसा चाहिए नेता, ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में भी मोदी जी रहे टॉप पर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी के हर घर मोहल्ले में जश्न का माहौल, मुस्लिम महिलाओं ने उतारी पीएम मोदी की आरती, इस दौरान मुस्लिम महिलाएं करें पुकार, हर जगह हो मोदी सरकार का नारा भी लगाया। भारत ने श्रीलंका को एशिया कप फाइनल में 10 विकेट से हराकर दर्ज की है ऐतिहासिक जीत, मोहम्मद सिराज ने झटके सर्वाधिक 6 विकेट। पीएम मोदी ने देशवासियों को दिया बर्थडे गिफ्ट, यशो भूमि के बाद पीएम विश्वकर्मा योजना करी लॉन्च, जिसके तहत कारीगरों को मिलेंगे 3 लाख रुपए का लोन। अमरोह में 5000 आशाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मान, पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के पूर्व सांसद ने आयोजित किया कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति ने नई संसद पर बहाली पर फहराया तिरंगा, लोकसभा स्पीकर समेत कई विपक्षी नेता भी पहुंचे, विशेष सत्र के दूसरे दिन यही शिफ्ट होगा कामकाज। राजस्थान की गायों के घी से होगी राम मंदिर की पहली आरती, जो गायें कटने वाली थी उन्हीं का घी 108 रथों से 21 दिन में पहुंचेगा अयोध्या। अनंतनाग में 5वें दिन भी एनकाउंटर जारी, सुरक्षा बलों ने पहली बार हेरोन ड्रोन से ग्रेनेड बरसाए, कश्मीर में अब तक 6 आतंकियों को उतारा है मौत के घाट। मोनू मानेसर को हरियाणा लाएगी पुलिस, राजस्थान की कोर्ट से मिला प्रोडक्शन वारंट, 25 सितंबर को खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को दिया बड़ा तोहफा, आरएमएल अस्पताल में ट्रांसजेंडर के लिए शुरू होगी ओपीडी सेवाएं। पंजाब के भटिंडा शहरी युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनका पुतला फूंक कर किया विरोध प्रदर्शन, महंगाई पर जताया रोष, कहा सरकारी नौकरी ना मिलने से बेरोजगार घूम रहे युवा। श्रीलंका के क्यूरेटर और साथ में मैदान कर्मियों की हुई बल्ले बल्ले, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने 40 लाख रुपए इनाम की करी घोषणा। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 303 के पार, आवाम ने अदालत से लगाई गुहार, कहा ऐसा चलता रहा तो कमर तोड़ देगी महंगाई। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, बदला औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिले का नाम, औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद को दाराशिव के नाम से जाना जाएगा। सीएम शिवराज का बड़ा चुनावी दांव, लाडली बहना योजना के बाद अब लाडली बहना आवास योजना हुई लॉन्च, बहनों को मिलेगा पक्का घर। तेलंगाना में बोली सोनिया गांधी, अगर सरकार बनी तो सिलेंडर 500 रुपए में, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए भत्ता और साथ ही में बसों का सफर भी होगा बिल्कुल फ्री। दिल्ली मेट्रो के नए स्टेशन के उद्घाटन पर सीएम को न बुलाए जाने पर आपका बीजेपी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री जी ने अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण पत्र भेजना जरूरी नहीं समझा, जबकि मेट्रो पर 50% खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन जारी किया है, उन्हें 23 सितंबर को पेश होने के लिए भी कहा गया है। पूरे फंसे तेदेफा चीफ, चंद्रबाबू नायडू ने ही रची थी कौशल विकास घोटाले की साजिश, सीआईडी ने किया बड़ा दावा। पाकिस्तानी राजनेताओं के बुरे दौर शुरू, एससी के फैसले के बाद खुल सकते हैं भ्रष्टाचार के 2000 नए मामले। उत्तराखंड जाने वाले पर्यटकों के लिए बुरी खबर, 1 अक्टूबर से नहीं खुलेगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिजरवानी जोन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मदरसे में पड़ी गई दुआ, बच्चों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जताई खुशी। नेपाल ने भारत को बिजली बेची, चीन हुआ नाराज, ड्रैगन के राजदूत ने कहा अपने लिए बिजली कम है लेकिन भारत को निर्यात करने का कोई मतलब नहीं बनता। ब्राजील में प्लेन हुआ क्रैश, 14 लोगों की मौत, सभी फिशिंग के लिए जा रहे थे, खराब मौसम की वजह से लैंडिंग स्ट्रिप नहीं देख पाया पायलट। ड्रग तस्करी की लिस्ट में भारत और पाकिस्तान शामिल, अमेरिका ने 23 देशों की सूची करी जारी, चीन के केमिकल से बनाए जा रहे हैं नशीले पदार्थ। आर्थिक तंग हाली में भी पाक ने बढ़ाए परमाणु हथियार, अमेरिकी रिपोर्ट्स का खुलासा, 170 न्यूक्लियर वेपन तैयार, 2025 तक 200 से पार होंगे। गैंगस्टर लॉरेंस की जेल से वीडियो कॉल हुई वायरल, नू हिंसा के आरोपी मोनू मानेसर से कर रहे थे बातें, साथ ही में दिखा गैंगस्टर राजू बसोदी। केरल में लगातार दूसरे दिन निपा का कोई भी नया केस नहीं आया, आज 42 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, साथ ही में अब तक 6 केस मिले हैं और 2 लोगों की हुई है मौत। जम्मू कश्मीर में जवान की सर्विस राइफल से एक्सीडेंटल फायरिंग, गोली लगने से एक की मौत, साथ ही में दूसरा हुआ घायल। आयुष्मान योजना का तीसरा फेज शुरू, मोबाइल ऐप के जरिए खुद ही ऑनलाइन बनवा सकेंगे कार्ड, मिलेगा 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस।
लखनऊ में 3 दिन फिर से इंटरनेट सेवा पर लगी रोक। कांग्रेस विधायक मामन खान दूसरे केस में 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। पानीपत के मेजर आशीष के घर पहुंचे सीएम, बोले 50 लाख रुपए के अलावा पत्नी को देंगे सरकारी नौकरी, स्कूल या फिर पार्क का नाम भी रखने पर होगा विचार। छात्रा का दुपट्टा खींचा, पुलिस ने दौड़ाकर मारी गोली, आरोपी सहबाज और फैसल के पैर में लगी बुलेट, पुलिस की राइफल छीनकर भागे थे आरोपी। पाकिस्तान पीएम बोले बॉर्डर पर है तनाव लेकिन चुनाव पर नहीं पड़ने देंगे, इसका असर बता दे कि पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान ईरान तीनों के साथ चल रहा है विवाद। नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग में मिला सिल्वर पदक, 83.80 मीटर भाला फेंककर दूसरे नंबर पर रहे। चेक रिपब्लिक के जैकब को मिला गोल्ड मेडल। हरियाणा के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट, 18 सितंबर तक मौसम खराब, तापमान गिरा, धान की फसल के भीगने का भी है खतरा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी जी रहेंगे मौजूद, नृपेंद्र मिश्र बोले प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अभी तय नहीं है लेकिन 10 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। राहुल गांधी बोले तेलंगाना से 100 दिन के अंदर बीआरएस सरकार हटेगी, कहा हमारी सरकार बनी तो गैस सिलेंडर 500 रुपये और साथ में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये भी देंगे। मंत्रालय की मंजूरी के बिना ब्याज दर सार्वजनिक न करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ईपीएफओ के लिए जारी कर दिए नई गाइडलाइंस। इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को देख नाराज हुई ममता बनर्जी, लालू और नीतीश को मिली मनाने की जिम्मेदारी। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने पीएक्यू को दिखाया है भारत का हिस्सा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप भी कर दिया है जारी। लीबिया में तूफान बाढ़ से 20,000 लोगों की मौत की आशंका, 2 डैम टूटने से डेरना शहर तबाह, लोग अपनों की लाशों को तलाशने के लिए अस्पतालों की छान रहे हैं खाक। अमृतसर में पाक घुसपैठिया गिरफ्तार, बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में घुसा, तलाशी में कुछ नहीं मिला तो बीएसएफ ने सौंप दिया पुलिस को। पाकिस्तान एयरलाइंस की सभी उड़ानें रद्द, कामकाज के लिए तुरंत 636 करोड़ रुपए की जरूरत, वहीं 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है कर्ज। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार, चौधरी वीरेंद्र सिंह इन दिनों बीजेपी से यहां पर नाखुश दिख रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को जिंद में एक बड़ी जनसभा बुलाई और कयास लगाए जा रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह नई पार्टी का भी ऐलान कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सरकार ने किया बड़ा ऐलान, लोगों को सस्ता सोना खरीदने का दिया मौका, जारी होंगे नए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। रैप के आरोपी अब छत्तीसगढ़ में नहीं ले पाएंगे सरकारी जॉब, सीएम भूपेश बघेल सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ ने सड़क किनारे कराई महिला की डिलीवरी, महिला ने बच्ची को दिया जन्म, पालन पोषण और शिक्षा का खर्च उठाने की भी सीआरपीएफ ने करी घोषणा। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि जिस तरह कांग्रेस ने गांधी टाइटल हड़प लिया है उसी तरह देश का नाम इंडिया भी हड़प लिया है। एशिया कप में कोहली और केएल राहुल के आगे पस्त हुआ पाकिस्तान, दोनों ने जड़ा शतक, भारत ने दिया 357 रनों का लक्ष्य। G20 के बाद भी खूबसूरत बनी रहेगी दिल्ली, केजरीवाल सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में किया गया सौंदर्यीकरण अब अन्य शहरों में भी बढ़ाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से हुई है बढ़ोतरी, महीने के हाई लेवल पर पहुंचे हैं कच्चे तेलों के दाम। जी हां दोस्तों, घरेलू गैस के दामों में कटौती के बाद आम जनता की नजरें पेट्रोल डीजल की ओर बनी हुई थी। आम चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए जनता को सरकार से उम्मीद है कि जल्दी सरकार इसके दामों में कमी लाएगी, जिसको लेकर लंबे समय से सकारात्मक संकेत भी मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच लोगों के लिए निराश करने वाली खबर सामने आ रही है और लोगों के मंसूबे पर पानी भी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमतों ने यू टर्न ले लिया है, जिसके चलते तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के पार जाने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में कीमतों में और अधिक तेजी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के सस्ते होने की संभावनाएं फिलहाल खत्म होती हुई नजर आ रही है। मुठभेड़ के बीच सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर के 2 आतंकियों को पकड़ा जिंदा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जारी मुठभेड़ के बीच में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने 2 आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार किया है और उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों की पहचान बारामुल्ला निवासी जैद हसन मल्ला और मोहम्मद आरिफ चन्ना के रूप में की है। एक बयान में कहा है कि दोनों सीमा पार पाकिस्तान स्थित अपने आकाओं के इशारे पर हथियार और गोला बारूद की तस्करी करते हैं और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इन हथियार और गोला बारूद को लश्कर के आतंकियों को पहुंचाने का भी काम करते हैं।
संसद के विशेष सत्र का सामने आया एजेंडा, ये चार विधायिका पेश करेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 18 से लेकर 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में क्या एजेंडा होगा इसको लेकर सब कुछ साफ कर दिया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि विशेष सत्र के दौरान संसद की 75 साल की यात्रा पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा चार विधेयकों को भी संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। हालांकि यह अस्थायी सूची है, इसमें कुछ भी और बिल जोड़े जा सकते हैं। और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आखिरकार सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।